नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 13 उत्पादन उद्योग। तो यहाँ पे जो है हम इस पाठ में उत्पादन उद्योग जो है उसके बारे में बताया गया है, जो हम यहाँ पे जानेंगे। मनुष्य के द्वारा अपनी बौद्धिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक क्षमता के अनुसार प्राकृतिक संसाधनों के स्वरूप को बदल कर उपयोग में लिया जा सके, ऐसी प्रक्रिया को उद्योग कहा जाता है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले जो है उद्योग किसे कहते हैं उसके बारे में बताया है कि मनुष्य जो है अपनी बौद्धिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षमता के अनुसार जो प्राकृतिक संसाधन के स्वरूप को बदल कर उसके दूसरे स्वरूप में जो है उपयोग में लिया जाता है, उसे जो है ऐसी प्रक्रिया को हम उद्योग कहते हैं। भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता से ही उद्योगों की परंपरा चली आई है और उस समय में भारत में सूती कपड़ा, मिट्टी के बर्तन एवं कांसे की वस्तु तथा जो है मन के बनाए जाते थे। 18वीं सदी तक भारत जहाज बनाने के उद्योग, हस्तकला एवं गृह उद्योग में आगे था। भारत के सूती कपड़े, मलमल के कपड़े, धातु के बर्तन तथा आभूषणों की विदेशों में खूब मांग रहती थी। तो यहाँ पे हमें बताया कि भारत में जो है सिंधु घाटी की सभ्यता से ही जो है उद्योगों की परंपरा चली आ रही है कि सूती कपड़ा, मिट्टी के बर्तन एवं कांसे की वस्तु तथा जो मन के बनाए जाते थे वह भारत में बनाए जाते थे। और 18वीं सदी तक जो है जहाज बनाने के क्षेत्र में जो और उद्योग कला जो है उद्योग हस्तकला एवं गृह उद्योग में जो है भारत आगे था। और भारत के जो है कपड़े, मलमल के भारत में जो है सूती के कपड़े, मलमल के कपड़े तथा धातु के बर्तन और आभूषणों की विदेशों में खूब अधिक मात्रा में मांग रहती थी। यूरोप की औद्योगिक क्रांति की शुरुआत के साथ अंग्रेज भारत में से कच्चा माल, खासकर कपास ले जाते थे। वहाँ के कारखानों में से तैयार माल भारत में ऊंची कीमत बेचा जाए एवं भारत का हस्त उद्योग टूट जाए, ऐसी नीति अपनाते थे। इससे भारत के वस्त्र उद्योग को भारी नुकसान हुआ तथा भारत के कलाकार एवं कारीगर बेकार बने। तो यह विद्यार्थियों जो है आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि यूरोप में जो है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत के साथ जो है अंग्रेज भारत में से कच्चा माल ले जाते थे और वहाँ पर जो है कारखानों में माल तैयार करके उसे भारत में जो है निर्यात करते थे कि भारत में जो है ऊंची कीमत पर और अधिक कीमत पर वह बेचा जाए, जिससे जो है भारत का हस्त उद्योग टूट जाए, ऐसी नीति उन्होंने अपनाई थी। और इससे जो है वस्त्र उद्योग को भारी नुकसान भी हुआ और भारत के कुछ जो है कलाकार कारीगर वे बेरोजगार भी बने। उसके बाद हमें समझाया है कि उद्योगों का महत्व क्या है। आज के युग में राष्ट्रों का अस्तित्व उद्योगों के विकास पर ही आधारित है। आर्थिक विकास औद्योगिक विकास के बिना असंभव है। जो देश औद्योगिक दृष्टि से जितने अधिक विकसित हुए उनकी अर्थव्यवस्था उतनी ही मजबूत बनी है। USA, रूस, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे औद्योगिक विकास के आधार पर ही समृद्धि एवं विकसित राष्ट्र बने हैं। जिन देशों में उद्योगों का विकास नहीं हुआ अथवा कम हुआ है, वे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग उद्योगों के कच्चे माल से बनी वस्तुएं ऊंची कीमत चुकाकर विदेशों से खरीदते हैं। और भारत में समग्र राष्ट्रीय उत्पादन उद्योग का जो है 29% योगदान है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि आज के युग में जो है राष्ट्रों का अस्तित्व उद्योगों पर ही विकसित हुआ है, उद्योगों के विकास पर ही आधारित है कि कौन सा राष्ट्र जो है कितना विकास कर रहा है। तो आर्थिक विकास और औद्योगिक विकास जो है आर्थिक विकास जो है वह औद्योगिक विकास के बिना संभव ही नहीं है। जिस देश में जितनी अधिक मात्रा में औद्योगिक विकास हुए वह देश जो है उतना ही समृद्ध बना एवं विकसित बना है। जैसे कि US, रूस, जापान, दक्षिण कोरिया वगैरह जो है, यहाँ पे औद्योगिक विकास जो है वह अधिक मात्रा में हुआ, जिसकी वजह से यह देश जो है विकसित देश और समृद्ध देश बने हैं। और भारत ने जो है प्राकृतिक संसाधनों का उद्योगों के कच्चे माल से बनी हुई चीज वस्तु जो है ऊंची कीमत देकर विदेशों से खरीदते हैं, जिससे कि भारत में जो है समग्र राष्ट्रीय उत्पादन में उत्पादन का जो भाग है वह लगभग 29% जो है उत्पादन उद्योग का योगदान रहा है। ब्रिटिश शासनकाल की नीति ने भारत के औद्योगिक ढांचे की कमर तोड़ दी। पराधीनता के दरमियान भारत में आधुनिक पद्धति से उद्योगों की खास स्थापना नहीं हो सकी थी। 1853 में चारकोल आधारित प्रथम लोहा गलाने की औद्योगिक इकाई स्थापित की गई, परंतु वह भी निष्फल रही थी। सर्वप्रथम सफल प्रयत्न जो है 1854 में सूती कपड़ा उद्योग का है। इसके बाद जो है 1855 में कोलकाता के नजदीक
रिश्रा में पटसन का कारखाना लगाया गया। इसके पश्चात जो है 1874 में कुल्टी में कच्चा लोहा यानी कि लोह अयस्क बनाने का कारखाना स्थापित किया गया और जो है कि एक वर्ष के पश्चात जो है बंद करना पड़ा था। और जो इसके बाद जो है 1881 में पुनः शुरू हुआ और 1960 में जो है जमशेदपुर में टाटा लोहा फौलाद कंपनी की स्थापना होने से औद्योगिक विकास को नई दिशा प्राप्त हुई है। तो यहाँ पे हमें बताया कि ब्रिटिश शासन की नीति की जो पद्धति थी जिसने कि भारत के औद्योगिक ढांचे की जो एक कमर तोड़ती थी उसे जो पूरी तरह से नष्ट करने की स्थिति पर ला दिया था। और जो हमें उस समय हमारे पास स्वतंत्रता नहीं थी तो पराधीनता के कारण जो है आधुनिक पद्धतियों की जो है उसकी भी हम यहाँ पे स्थापना नहीं कर सके थे। तो 1853 में जो है सबसे पहले चारकोल आधारित प्रथम लोहा गलाने की जो है औद्योगिक इकाई स्थापित की गई परंतु वह निष्फल रही। उसके बाद में 1854 में जो है सूती कपड़ा बनाने की जो है वह जो है प्रयत्न किया गया जो कि जो है पहली बार सफल हुआ था। और इसके बाद 1855 में कोलकाता के नज़दीक रिश्रा में जो है पटसन का कारखाना लगाया गया। इसके बाद 1874 में जो है कुल्टी में कच्चा लोहा बनाने का जो है कारखाना स्थापित किया गया जो कि एक वर्ष के बाद बंद करना पड़ा। और इसके बाद जो है 1881 में पुनः शुरू हुआ। 1907 में जो है जमशेदपुर में टाटा लोहा फौलाद कंपनी की स्थापना होने से औद्योगिक विकास को जो है नई दिशा जो है वह प्राप्त हुई। उसके बाद यहाँ पे हमें बताया गया है कि उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों को मानव श्रम मालिकाना आधार तथा कच्चे माल के स्रोतों के आधार पर इन्हें लघु उद्योग एवं भारी उद्योगों में इस तरह से बांटा गया। जिस उद्योग में अधिक रोजगारी मिले उसे बड़े और भारी उद्योग कहते हैं। उदाहरण स्वरूप सूती कपड़ा उद्योग और जो उद्योग किसी विशेष व्यक्ति के मालिकाना में संचालित हो एवं ऐसे उद्योगों में श्रमिकों की संख्या कम हो उसे जो है लघु उद्योग यानी कि छोटे स्तर के उद्योग कहते हैं। उदाहरण स्वरूप जो है खांडसरी उद्योग। उसके बाद यहाँ पे बताया इसके उपरांत उद्योगों को निजी सार्वजनिक संयुक्त तथा सहकारी वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है तथा कच्चे माल के स्रोतों के आधार पर इसे कृषि आधारित उद्योग एवं खनिज आधारित उद्योगों में भी बांटा जाता है। तो यहाँ पे हमें जो है सबसे पहले कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से है उसके विषय में बताया गया है जो हम यहाँ पे जानेंगे। सूती कपड़ा पटसन रेशमी कपड़ा ऊनी कपड़ा चीनी कागज आदि कृषि आधारित प्रवृत्तियों से प्राप्त होने वाले कच्चे माल पर आधारित उद्योग है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें जो है सूती कपड़ा उद्योग के बारे में बताया गया है। भारत की औद्योगिक अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का प्रमुख स्थान है और यह उद्योग लगभग 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। तो यहाँ पे हमें बताया कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो है यहाँ पे औद्योगिक में अर्थव्यवस्था में वस्त्र का उद्योग जो है कपड़ों का उद्योग वह प्रमुख स्थान रहता है प्रमुख स्थान है उसका और यह जो है लगभग 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है। देश में सबसे अधिक रोजगार का सृजन जो है सर्जन कपड़ा उद्योग ही करता है। चीन के पश्चात सूती कपड़े के निर्यात में भारत स्थान रखता है। उत्पादन एवं रोजगार की दृष्टि से यह उद्योग देश का मुख्य उद्योग माना जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया कि चीन के बाद जो है सूती कपड़े का सबसे अधिक निर्यात करने वाला देश भारत है और यह जो है रोजगार की दृष्टि से जो है मुख्य देश माना जाता और उद्योग की दृष्टि से जो है यह मुख्य माना जाता है। मुंबई में सर्वप्रथम कपड़ा मिल की शुरुआत हुई। इसके बाद अहमदाबाद में शाहपुर मिल तथा कैलिको मिल की स्थापना हुई। सूती कपड़े की मिलें प्रारंभ के वर्षों में मुंबई एवं अहमदाबाद में सस्ता कपास श्रमिकों की उपलब्धि परिवहन सुविधा निर्यात के लिए बंदरगाह तथा बाजार क्षेत्र की अनुकूलता के कारण यहां सूती कपड़े की मिलों की स्थापना हुई है। आज सूती कपड़े की मिलें लगभग देश के 100 नगरों में आई हुई है। वर्तमान समय में मुंबई अहमदाबाद भिवंडी सोलापुर कोल्हापुर नागौर इंदौर एवं उज्जैन सूती कपड़ों के उद्योग एवं मुख्य का परंपरागत उद्योग है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि मुंबई में सबसे पहले जो है कपड़ा मिल की शुरुआत हुई उसके बाद अहमदाबाद में हुई और सूती कपड़े की जो है मिलें प्रारंभ में अहमदाबाद और मुंबई में स्थापित की गई। वहाँ पे जो है सस्ता कपास उपलब्ध हुआ श्रमिकों की उपलब्धि हुई परिवहन सुविधा उपलब्ध हुई निर्यात के लिए बंदरगाह तथा बाजार के क्षेत्र की अनुकूलता के कारण यहाँ सूती कपड़े के मिलों की स्थापना हुई और आज जो है सूती कपड़े की मिलें देश के लगभग 100 नगरों में आई हुई है।
वर्तमान समय में जो है मुंबई, अहमदाबाद, भिवंडी, कोल्हापुर, सोलापुर वगैरह में जो है सूती मिलों के कपड़े स्थापित है। उसके बाद बताया है कि महाराष्ट्र के मुंबई में सूती कपड़े की अधिक मिल है, जिससे कि सूती कपड़े का जो है विश्व महानगर जो है कहते हैं, यानी कि कॉटन पॉइल्स ऑफ इंडिया। तदुपरांत पूना, कोल्हापुर, औरंगाबाद, जलगांव जैसे शहरों में भी यह उद्योग स्थापित हुए हैं। गुजरात में अहमदाबाद को पूर्व का मैनचेस्टर तथा डेनिम सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसके उपरांत वडोदरा, कलोल, भरूच, सूरत, पोरबंदर, राजकोट, भावनगर आदि शहरों में भी इसका विकास हुआ है। तमिलनाडु में कोयम्बतूर मुख्य केंद्र है। चेन्नई एवं मदुरई आदि केंद्रों का भी समावेश होता है। उत्तर प्रदेश में कानपुर, इटावा, आगरा, लखनऊ आदि मुख्य केंद्र है। तो यहाँ पे हमें बताया कि महाराष्ट्र में जो है मुंबई में सूती कपड़े की अधिक मिले हैं, जिसकी वजह से जो है सूती कपड़े का यानी विश्व महानगर यानी कि कॉटन पर्ल्स ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इसके उपरांत जो है पूना, कोल्हापुर, औरंगाबाद जैसे जगह पर जो है यह उद्योग स्थापित हुए हैं। और गुजरात के जो है अहमदाबाद को पूर्व का मैनचेस्टर तथा जो है डेनिम सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसके उपरांत जो है गुजरात में वडोदरा, कलोल, भरूच, सूरत, पोरबंदर वगैरह जगह पे भी जो है इन सब का समावेश होता है। सूती कपड़े की मिल वापस स्थित है। और तमिलनाडु में जो कोयम्बतूर है वह सूती कपड़े की मिल का मुख्य केंद्र बना हुआ है। चेन्नई में मदुरई आदि स्थानों पर समावेश किया जाता है। इसके उपरांत जो है उत्तर प्रदेश में कानपुर, इटावा, आगरा, लखनऊ वगैरह जगह पर जो है यह मुख्य केंद्र है। मध्य प्रदेश में इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन एवं देवास मुख्य केंद्र है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता, हावड़ा, मुर्शिदाबाद प्रमुख केंद्र है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में भी सूती कपड़े का उद्योग विकास हुआ है। इस उद्योग के विकेंद्रीकरण करने वाले तत्वों में व्यापक बाजार क्षेत्र, परिवहन, बैंक तथा बिजली की सुविधा है। आज यह कपड़ा उद्योग उत्तम प्रकार की कपास की कमी, पुराने यंत्रों का उपयोग, अनियमित बिजली की आपूर्ति, कृत्रिम रेशे कपड़ों से स्पर्धी तथा वैश्विक बाजार में तीव्र स्पर्धा की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। और भारत, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, सूडान, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस आदि अफ्रीका आदि देशों में सूती कपड़े का निर्यात करता है। तो यहाँ पे हमें बताया कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा आदि क्षेत्रों में भी जो है सूती कपड़े का विकास हुआ है। और इस उद्योगों का विकेंद्रीकरण करने वाले तत्वों में जो है व्यापक बाजार क्षेत्र जो है जैसे कि परिवहन, बैंक तथा बिजली की सुविधा है। और आज यह जो उद्योग है यह उत्तम प्रकार की कपास की कमी, पुराने यंत्रों का उपयोग, अनियमित बिजली की आपूर्ति, कृत्रिम रेशे वाले कपड़ों के स्पर्धी तथा वैश्विक बाजार में जो है तीव्र स्पर्धाओं की समस्याओं का सामना कर रहा है। भारत जो है वह रूस, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, सूडान, नेपाल आदि देशों में जो है सूती कपड़े का निर्यात करता है। उसके आगे है पटसन कपड़े का उद्योग, वह हम अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।